नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही कॉमन से टॉपिक पर है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, हमारे घर में आपसी जो झगड़े होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स का अपने बच्चों से या बच्चों का पेरेंट्स से, तो उसमें एक लाइन बहुत आपने सुनी होगी, बहुत ही कॉमन है कि आपने क्या किया है मेरे लिए। कई बार बच्चे भी बोल देते हैं अपने पेरेंट्स से कि आपने किया है क्या मेरे लिए। कई बार वाइफ भी हस्बैंड को बोल देती है या हस्बैंड वाइफ को बोल देता है। तो इस ये लाइन बहुत इतनी कॉमन है, पर इसका मीनिंग भी बहुत ही बड़ा है। और कई बार क्या है ना, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और सब चुपचाप इसको सुन लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिश्ते हैं उसमें क्या है, दूरी बढ़ जाती है। मेरा तो मानना है कि भाई क्या है कि इस लड़ाई के वक्त ये आपसी बहस में ये सवाल पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई भी रिश्ता है वो निभता ही आपसी एफर्ट की वजह से है। जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना कोई किसी के लिए नहीं करता। जितना एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है या हस्बैंड वाइफ के लिए करता, उतना दूसरा कोई उनके लिए नहीं कर सकता। तो उन्हें एक दूसरे के एफर्ट की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो इस तरह के सवाल आपसी बहस में आने ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आते हैं तो उसमें आपको उस वक्त चुप ना रहने की बजाय आपको जवाब देने हैं। चाहे जवाब आप कुछ भी दो, बट एटलीस्ट उस टाइम चुप ना रहें, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती है, इससे आपकी डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जब भी ये सवाल आपकी ज़िंदगी में, मैं तो दुआ करूँगी कभी आए ना, फिर भी अगर आता है ये सवाल, तो इसका जवाब देने से कभी भी नहीं कतराना है। और इसका जवाब डर कर देने की बजाय डट कर दीजिए। डर कर नहीं, डट कर जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से इसका जवाब ये भी हो सकता है कि अगर आपसे मान लो किसी ने कहा कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है, तो आप क्या कहोगे? मुश्किल था पर मैंने सांस ली, इस दिल को एक और मैंने झूठी आस दी, झूठी तसल्ली दी कि कोई नहीं, बच्चा है, बोल दिया होगा गुस्से में। इस तरह का मैंने आपको, अपने मन को, अपने आप को इस तरह से मैंने संभाला। सब ठीक होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर होगा तो कब होगा, पर मैंने कोशिश बहुत की इस रिश्ते को निभाने की। मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है, और मैं आगे भी इस रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभाऊंगा या निभाऊंगी। अगर आप पेरेंट्स हैं, बच्चे ने सवाल उठाया, तो आप बोल सकते हैं कि मैं आगे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करूंगा जितना मुझसे होगा। तुम्हें नहीं दिखता, दैट्स योर फॉल्ट। आप कंपेयर कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो ये बच्चों की गलती है। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी गलती है जो बच्चों को इतना बढ़ावा देते हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा, रिश्तों को निभाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिसने जिंदगी में लाते खाई हैं, ठोकरे खाई हैं और वक्त से लड़ा है ना, उसने जीवन में ज़रूर, वो अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ा है, उसने अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस पाई है। जिसने किस्मत को कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। अपने मन में ठहराव लाइए, ठहराव लाकर देखोगे तो ज़िंदगी जीनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हम जितने सरल होंगे, जितना सरल हमारा व्यवहार होगा, रहन सहन होगा, आप उतनी जल्दी सक्सेस भी हो जाओगे और संपूर्ण भी हो जाओगे। आपको मेरा ये जवाब, मेरे सवाल का जवाब आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।